structure at 10.2, solution number 1. From a point Q, the length of tangent to the circle is 24 and distance of Q from the center 25. Find the radius of circle. Because this is called QT, is called the length of tangent. So length of tangent 24 दी है from Q to Q और distance जो है center से 25 दिया है. तो आपको बताना है OT, ये angle कितना point T जो point of contact और OT क्या है radius, तो ये 90 degree हो गया. यहाँ पर देखिए length of tangent QT is equal to 24 centimeter, OQ is equal to 25 centimeter. That means you have to find OT is equal to question mean, mark radius in triangle OTQ by Pythagoras theorem. क्या हो जाएगा? OQ square is equal to QT square plus OT square. J square is equal to J square plus J square. OQ कितना है? 25 का square is equal to QT कितना है? 24 square plus OT square. क्या लिख सकते हैं? 25 square minus 24 square is equal to OT. यहां पर देखिए A square minus B square का formula लगा सकते हैं आप. A square minus B square is equal to क्या होता है? A plus B और A minus B. जरूरी नहीं है कि हम इनका स्क्वायर करके बेटर. तो क्या लिख सकते हैं? 25 प्लस 24 और 25 माइनस 24 इज इक्वल टू OT स्क्वायर. ये हो जाएगा 49 इनटू 1 OT स्क्वायर. दैट मींस OT इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 49. 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू OT. दैट मींस रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ए. प्लीज मेक इट अप. नाउ सॉल्यूशन नंबर 2. इन फिगर इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट्स to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ is equal to, ये 110 angle है, तो हमें बताना है PTQ. देखिए ये क्या point of कॉन्टैक्ट, ये भी पॉइंट, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? ये एंगल 1 मान लिया और ये एंगल हमने 2 मान लिया. एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, क्योंकि P जो है आपका टेंजेंट पॉइंट है और Q भी टेंजेंट पॉइंट है और एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री. ध्यान दीजिए इन क्वाड्रिलेटरल ओपीटीक्यू में एंगल पीओक्यू प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों अंगुलों का सम कितना होता है? 360. ये कितना? 110. ये कितना? 90, ये भी 90, ये एंगल PTQ इज इक्वल टू 360. ये कितना हो गया? 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री. एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 माइनस 290, दैट मींस 70 डिग्री. दैट इज योर आंसर एंड ऑप्शन इज बी. ऑप्शन क्या होगा इसका? बी. प्लीज मेक इट अप. नाउ सॉल्यूशन नंबर 3.
If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at angle of 80 degree, then find angle POA. ये कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल पर P से एक टेंजेंट ये जा रही है, दूसरी टेंजेंट आपकी ये जा रही है, ये A हो गया और ये B, ये P हो गया. तो ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 80 डिग्री है. PA टेंजेंट और PB जो है इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 80 डिग्री, ये सेंटर O हो गया. हमने जॉइंट कर दिया OP को. तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है. देखिए, ये जो टेंजेंट है इस वाले ट्राइंगल में ले ए ओ पी में, ये जो लाइन है ओ पी, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, पहली बात. और दूसरी बात, ये जो एंगल होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये ध्यान रखना इस चीज का. तो यहां पर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू कितना दिया उसने, 80 डिग्री. तो एंगल ए पी O is equal to 80 upon 2 is equal to 40 degree. Angle 1 कितना है आपका, 90 degree. You have to find the angle this, यानि कि angle A P O A हमें यहाँ पर बताना है, P O A कितना है. चलिए, in triangle A P O में, ए पी ओ में ये एंगल कितना है आपका 40 डिग्री और ये एंगल कितना है 90 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, एंगल 1 कितना है 90 प्लस ए पी ओ कितना है 40 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री. दैट इज योर आंसर एंड ऑप्शन इज ए. प्लीज मेक इट अप. नाउ सॉल्यूशन नंबर 4. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. यदि किसी भी सर्कल की डायमीटर पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ये पॉइंट ए ले लिया ना, ये बी ले लिया, ये ओ हो गया, एक टेंजेंट मैंने यहां से ये ड्रॉ कर दी पी क्यू, और दूसरी टेंजेंट है आर एस. किसी भी सर्कल की डायमीटर से के एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो बोथ आर पैरेलल होगी. तो टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव तो हमें यहां पर करना है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस. नाउ सॉल्यूशन देखिए, ए इज द टेंजेंट पॉइंट ऑफ पी क्यू. ए जो है पी क्यू का टेंजेंट पॉइंट है एंड ओ ए इज द रेडियस. ये क्या है, रेडियस. तो हमने क्या टर्म पढ़ी थी कि रेडियस जो है टेंजेंट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है. That means angle 1 is equal to क्या हो गया 90 degree. Again, B is the tangent point of RS. B जो है RS का tangent point है and OB
is the radius, ये radius होगी इसकी, therefore angle 2 is equal to 90 degree, ये angle आपका हो गया 90 degree, किन्हीं दो line को parallel दिखाने के लिए, या तो alternate interior angle equal दिखा दो, या corresponding angle equal दिखा दो, या interior angle on the same side of a transversal के interior angle का sum 180 दिखा दो, इस एंगल का इसका सम 180 डिग्री दिखा दो या एंगल 1 2 के बराबर दिखा दो, ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या होगे, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका मतलब क्या हो गया, PQ इज पैरेलल टू RS, प्लीज मेक इट आउट, नाउ सॉल्यूशन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट to a circle pass through the center. Just opposite. हमने क्या थ्योरम पढ़ी थी? ये O है, ये A है, ये B, ये P. तो उसने ये कहा कि यदि कोई लाइन टेंजेंट पॉइंट से जाती है, टेंजेंट पॉइंट पर यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो पास कहां से करती है, सेंटर से, ये हमें प्रूफ करना है, हमने मान लिया कि जो Q है, तो प्रूफ क्या करना है, हमें तो प्रूफ करना है कि OP passes through सेंटर ओ, इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि सेंटर और टेंजेंट पॉइंट को यदि हम मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होती है, ये उसकी कंडीशन है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं या प्रूफ करते हैं, सपोज हम ओ वो क्यू पी इज द रेडियस ऑफ सेंटर, हमने मान लिया कि ओ सेंटर नहीं है, क्यू सेंटर है, हमने ये सपोज कर लिया, इसका अपोजिट हम मान के चलेंगे, एंड पी इज द टेंजेंट पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ नहीं है सेंटर, क्यू है सेंटर, बट O P B is equal to 90 degree, ये गिवन है, ये गिवन है, क्या ये पॉसिबल है कि ये एंगल जो है 90 degree है और ये भी 90 degree है, ये पॉसिबल है, नहीं, लेकिन है पॉसिबल, कैसे, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट बोथ आर कॉन्चार्ड, यानी कि एक ही पॉइंट होंगे, एक चीज और, सपोज QP is the radius and passes through the center. ये center से pass हो रही है. It is possible. कब possible है? If O and Q both are coincide, मतलब एक ही पॉइंट है और यदि ये coincide है तो मैंने ये माना था कि जो लाइन है ये O Q सेंटर है और ये जो लाइन है ये सेंटर से पास कर रही है, तो जब ये एक ही जगह आ गई, ये लाइन यहां पे आ गई, इट मींस OP लाइन पासेस through the center.
Hence, prove. Please make it up. Now, solution number 6. The length of a tangent from a point A at the distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of circle. बहुत आसान question. उसने कहा A से length of tangent कितनी है आपकी? 4 cm. और center से इसकी distance 5 cm. तो आपको बतानी है ये distance. ये angle कितना होगा? 90 degree. तो इसमें क्या लगा देंगे हम? Pythagoras. क्योंकि ये point of tangent है. Pythagoras लगाने पर भी answer कितना आ जाएगा आपका? 3 cm. 3, 4, 5. So please DIP. Now, solution number 7. Two concentric circles are of the radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle. Larger circle की length of chord बतानी है, which touch the small circle, जो smaller circle को touch करती है. जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस है, ये जो कोण है, ये कोण जो है कॉन्सेंट्रिक है. कॉन्सेंट्रिक किसे कहते हैं? ऐसे दो सर्कल या दो से ज्यादा सर्कल जिनके सेंटर तो एक होते हैं लेकिन रेडियस अलग-अलग होती है. तो सेंटर बड़े वाले सर्कल की भी सेंटर ओ हो गया और छोटे वाले का भी ओ हो गया. तो उसने कहा कि बड़े वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस तो है 5 सेंटीमीटर और जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस है आपकी 3 सेंटीमीटर. तो कंडीशन उसने ये कही कि फाइंड द कोड, जो बड़ा सर्कल है उसकी कोड की लेंथ हमें बतानी है जो छोटे वाले सर्कल को टच करती है. तो OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो ये क्या है? P is the point of contact. तो क्या हो जाएगा? ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. A में ट्रायंगल OPA by Pythagoras theorem. क्या हो जाएगा? OA square is equal to OP square plus AP square means 5 square is equal to 3 square plus AP square. 25 minus 9 is equal to AP square. 16 is equal to AP square. That means AP is equal to 4 centimeter. और हमने क्या पढ़ा था? कि जो सेंटर होता है, सेंटर से यदि किसी भी कोण पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोण को बाइसेक्ट करती है. इट मींस AB कितनी हो जाएगी? AP into 2. जितनी ये डिस्टेंस है ये तो कितनी होगी? ये 4 into 2 is equal to 8 cm. That is your answer. Please make it now. Now, solution number 8. A quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribe a circle C figure. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. देखिए, हमें ये प्रूव करना कि AB is equal to CD. AB plus CD is equal to BC plus D. So, we know that सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए इसे, बहुत आसान क्वेश्चन. ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है और ये क्या हुई? टेंजेंट और बीटेंजेंट. वी नो दैट एपी इज इक्वल टू एएस. एपी जो है एएस के बराबर है. सिमिलरली बीक्यू इज इक्वल टू बीपी के. अगेन सीक्यू is equal to CR and DR is equal to DS. External points. Now,
अब हम लेफ्ट हैंड चार्ट लेकर चल रहे हैं, ए बी प्लस डी, देखते हैं क्या होता है। ए बी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए पी प्लस ई बी प्लस सी डी को क्या लिख सकता हूं, सी आर प्लस डी आर, सी आर और डी आर। जरा बताएंगे ए पी किसके बराबर है, यहां से देखिए इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर। इक्वेशन वन से ए पी किसके बराबर है, ए एस क्यू, और बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, प्लस सी आर किसके बराबर है, सी क्यू के, और डी आर किसके बराबर है, डी एस के। हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए एस प्लस डी एस को एक साथ ले सकते हैं, ए एस और डी एस को एक साथ ले लिया, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को एक साथ ले लेंगे, बी क्यू और सी क्यू को हम एक साथ ले लेंगे। तो ए एस में जब डी एस जोड़ोगे तो क्या पढ़ोगे आप इसे, ए डी, और बी क्यू में सी क्यू जोड़ोगे तो क्या पढ़ोगे, बी सी। दैट मीन्स बी सी प्लस डी ए, यही हमें प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, हैंस प्रूफ यहां पर, लेकिन इससे मिलता जुलता बिल्कुल इसी के आगे का स्टेप है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा, उसने ये कहा कि इस वाले क्वेश्चन में तो उसने कहा ए बी सी डी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बोल दिया कि प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। अब यहां पर सेम फिगर है, सेम चीज है, आपको प्रूफ करना है कि इफ ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यदि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इस वाले केसेस में सर्कमस्क्राइब जो होगा आपको दिखाना ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अब देखिए ध्यान से, यहीं से आगे यदि ए बी सी डी रोम्बस वो पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए, बी सी जो है डी ए के इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। हमें क्या दिखाना कि ये रोम्बस है, रोम्बस कब होगा, यदि मैं ये वाली साइड एडजेसेंट साइड आपस में इक्वल दिखा दूं। तो नाउ हमने क्या पढ़ा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, ए बी की जगह क्या रख दू मैं यहां पर सी डी, सी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू सी डी, और इसकी जगह क्या रख दिया हमने बी सी प्लस बी सी, टू सी डी इज इक्वल टू टू बी सी, दिस इज कैन सी। तो ये जो एडजेसेंट साइड है, ये वाली जो एडजेसेंट साइड है इस साइड के इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हो गया आपका, दैट मींस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वैसी से कंटिन्यू होगा, अगर ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पैरेललोग्राम है सर्कमस्क्राइब है सर्कल के पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी इज ए रोम्बस, हैंस प्रूफ। इसी से रिलेटेड सॉल्यूशन नंबर 11 है, प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 9, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री।
हमें बताना ए ओ बी एंगल 90 डिग्री है। देखिए सबसे पहले हम कर लेंगे ज्वाइन ओसी, तो क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया ओसी को। अब देखिए ध्यान से, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये ले लेंगे, ठीक। देखिए इन ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, बहुत आसान कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं, ए पी इज इक्वल टू ए सी, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ पी, ये तो हो गए कॉमन। और ओ पी जो है ओ सी के इक्वल क्या है, ये रेडियस होगी, और ए पी जो है ए सी के इक्वल क्यों है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। दोनों ट्राइंगल क्या होगी, ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। ये एंगल वन मान लिया मैंने, ये एंगल टू, किस वाली कंडीशन से, साइड 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 से, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय सी पी सी टी से ये कॉन्ग्रुएंट होगी, इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल ये क्या मान लिया मैंने, थ्री, और ये मान लिया फोर, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर के। नाउ पी क्यू क्या है, डायमीटर हो गया, कोण होगी जो सेंटर से जा रही है, जो डायमीटर होगी, तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, डायमीटर कह लो या स्ट्रेट एंगल। एंगल वन किसके बराबर है, टू के, टू टू के, एंगल थ्री और फोर जो है वो थ्री के बराबर हो गया, एंगल वन की जगह टू रख दिया क्योंकि हमने प्रूफ किया है, और फोर की जगह थ्री, तो ये कितना हो जाएगा, टू एंगल टू प्लस टू एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू कॉमन ले लेंगे, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू से कैंसिल 90, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू और थ्री को क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूफ, प्लीज मेक इट।